करनी में तो मुकाबला बिल्कुल साफ है, वहाँ की जनता महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के मनोज कुशवाहा जी के साथ है और नीतीश तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कोई पहला जनसभा यानी चुनावी जनसभा को दोनों एक साथ एक मंच से संबोधित करेंगे। बात करते हैं आजड़ी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार नीतीश कुमार का जो वोट है वो नीतीश कुमार के पास रहा नहीं, वो चला गया है भाजपा के पास। पहले भारतीय जनता पार्टी अपना वोट का पहले चिंता करे, बीजेपी का वोट ने जमीन खिसक गई बिहार में, सब वोट जो है आ गया इधर, अब बीजेपी क्या बोलेगी। बीजेपी ने उपचुनाव में देखा, मोकामा में भी, गोपालगंज में भी 1700 वोट से ठीक है कि वो सीट बीजेपी ने किसी तरह से सहानुभूति के कारण बचा लिया, लेकिन 40,000 वोट ज़्यादा ये क्या बता रहा है, बीजेपी का वोट आया ना। कुढ़नी में तो मुकाबला बिल्कुल साफ है, वहाँ की जनता महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के मनोज कुशवाहा जी के साथ है और नीतीश तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार के साथ। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी महागठबंधन की सरकार है, जब नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे और अब जा रहे हैं तेजस्वी यादव साथ में, भाजपा कह रही है। भाई ये आप लोग भाजपा कहे, आप लोग कयास लगाइए, आप लोग कुछ भी बोलिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी सब लोग जानते हैं कि उन स्वास्थ्य कारणों से नहीं गए, उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना संदेश भेजा, तो जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इसी में खुश हैं कि वो क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं आए। यहाँ पूरी तरह से एकजुट सातों दल का जो महागठबंधन है पूरी एकजुटता के साथ कुढ़नी में लगा हुआ है और कुढ़नी में केहनी के बल पर बीजेपी घूम रही है, फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ जा रहे हैं, भाई इसलिए कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं तो देखिए किस तरह कुढ़नी की जनता जो है पलके बिछा करके स्वागत के लिए तैयार है, झोली भर के वोट देने के लिए तैयार है। कुढ़नी में कहाँ बीजेपी का कुछ होने वाला है, वहाँ तो साफ है बीजेपी सिर्फ वहाँ जमानत बचाने के लिए ही संघर्ष कर रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं कर रही। आज महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कोई पहला ही जनसभा यानी कि कहा जाए चुनावी जनसभा को दोनों एक साथ संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ भाई, तो पहली चुनाव अलग मैसेज है, उसमें अलग मैसेज, जब सरकार में कैप्टन वाइस कैप्टन हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सब लोगों को ये पता है कि दो जो सीटों पर चुनाव हुए मोकामा गोपालगंज में, उनमें आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं जा पाए, जख्म था उनको, तो पहले उनके स्वास्थ्य की चिंता महागठबंधन के दलों को नेताओं को थी, लेकिन बीजेपी इस खुशफहमी में है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार की कुढ़नी की जो जनता है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का इंतज़ार कर रही है और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहली बार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कोई चुनावी जनसभा को एक साथ एक मंच से संबोधित करने जा रहे हैं, अब होगा क्या ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। प्रणेश प्रणेशन के साथ नमस्कार।